हाय गाइस, सो मैं हूँ कंवर ढिलन, आप सबका चहिता शिवा पंड्या, और मैं आज जुड़ा हूँ जूम के साथ, और मैं इनके साथ करने जा रहा हूँ अपना माय फर्स्ट सेगमेंट। तो देखते हैं कि आपको मेरे बारे में क्या जानने मिलता है और मैं क्या जानने देता हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऐप यू चेक अप व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हाट्सएप। ओके, फर्स्ट ब्रोकन बोन इन योर बॉडी? फर्स्ट ब्रोकन बोन इन माय बॉडी इज माय एंकल। कब हुआ? लास्ट ईयर, 2 years back. Okay. First foreign country you ever visited? Mauritius. कब हुआ था मतलब? Mauritius हुआ था जब मैं 10 साल का था। First Instagram post और वो क्या था? अब अगर आप मेरे Instagram के feed पे जाएं और मेरा सबसे पहला post देखें तो I think ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा कि group photo है, if I'm not wrong. Okay. First makeup item आपने अपने पैसे से अपने लिए खरीदा हो? आई थिंक हाल ही में ही खरीदा होगा, 3-4 साल पहले, क्रायलॉन का बेस जो मेरा शेड था, मुझे मेरा शेड ही 4 साल पहले पता चला है, तो आई थिंक क्रायलॉन का कुछ बेस खरीदा था, F28 एंड F29 आई थिंक सो, तो ये मेरा शेड है और ये मैंने जाके खरीदा था। फर्स्ट थिंग, आपने कभी ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से फैमिली वाले आपकी प्रॉब्लम में आ गए? आई मीन स्कूल में कुछ ऐसी हरकत की हो या कुछ किसी को मार? नहीं, ट्रबल में लाने वाली हरकतें मैंने बहुत की हैं, बट मैं कवर अप करने में बहुत अच्छा था, तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो फंसे हों, पर ऐसे कई काम मैंने स्कूल में किए हैं, किसी को मारना, किसी के सर पे बॉटल फोड़ना, बहुत कुछ किया है। फर्स्ट टाइम आपने प्रोफेशनली तौर पर अपने फेस पर मेकअप अलाउ करवाया होगा? प्रोफेशनली 2012-13 बड़ी प्रोजेक्ट के टाइम, उसके पहले मैंने कभी वैसे प्रोफेशनली मेकअप नहीं लगाया था, बट वैसे तो मैं हंसी मजाक में बचपन से लगवाता आया हूँ, क्योंकि पापा के साथ सेट पर जाता था तो उनके मेकअप दादा को मैं हमेशा बोलता था, सोम नाम था उनका, सोम दत्त, जो मैंने बोला दादा यार मेरा भी मेकअप कर दो, क्योंकि फिर मुझे वो यूडी कलोन की स्मेल बहुत पसंद थी, फिर मुझे चार्मीस की स्मेल बहुत पसंद थी मेकअप निकालने के टाइम, तो एज अ किड मैं वो सब करता था, बट प्रोफेशनली 2012-2013। और फर्स्ट जॉब? यही द बड़ी प्रोजेक्ट एज एन एक्टर। फर्स्ट चेक और वो कितना था? फर्स्ट चेक का अमाउंट तो याद नहीं, बट हाँ मेरा फर्स्ट चेक रहा होगा अराउंड 1 लाख रुपए का। ओके, फर्स्ट कार? माय फर्स्ट कार इज XUV500। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? ऑन टेलीविजन यू आस्किंग? बॉलीवुड तो आए फर्स्ट यू आर आस्किंग और करंट? अभी तो मुझे आलिया भट्ट बहुत बहुत पसंद है, एंड और भी खुशी की बात ये सुन के होती है कि हमारा बर्थ डेट सेम है, शी इज़ ऑल्सो 15 मार्च 1993, आई एम ऑल्सो 15 मार्च 1993, आई एम अ बिग आलिया भट्ट फैन, आई एडमायर हर वर्क। फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस और वो क्या था? पहला कुकिंग एक्सपीरियंस ऑमलेट था और लास्ट कुकिंग एक्सपीरियंस भी ऑमलेट था। अच्छा बनता है, अंडे तो मैं क्योंकि जिम वाला हूँ तो मैं अंडे वंडे बनाते रहता हूँ, एंड बाकी स्कूल टाइम से मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, सो चाय एंड अंडा दो चीज़ में गुजारा हो जाएगा अपना। फर्स्ट सेल फोन? माई फादर्स 6600, वो एक बहुत फेमस जॉयस्टिक वाला नोकिया का फ़ोन आया था, वो पापा ने जब मैं 10th स्टैंडर्ड में महेश ट्यूटोरियल जाता था पढ़ाई करने, तब सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं पहुंच गया हूं और मैं निकल गया हूं, वो अपना एक फ़ोन दिया था उन्होंने मुझे। फर्स्ट गर्लफ्रेंड स्कूल की? नहीं, आई थिंक फर्स्ट गर्लफ्रेंड होगी मेरी 17 when I was 16 17. फर्स्ट एवर डेट? वो क्या होता है? डेट पर गए होंगे? नहीं यार, ऐसे ऑफिशियली मतलब ऐसे बहुत फॉर्मल नहीं हूँ मैं इन चीज़ों को लेके, बट तब डेट तो क्या होती थी, मॉल में जाके पिक्चर देख लेना बहुत बड़ी बात थी, फूड कोर्ट में चले जाना, हाँ हुआ होगा उसी टाइम पे 18 17 18। फर्स्ट किस? 17 18। फर्स्ट फियर 17 18, तभी जब सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी ना, वही मेरा फियर था। फर्स्ट पेट वॉज माई जर्मन शेपर्ड डॉग, उसका नाम था टाइसन, बहुत प्यारा और बहुत ही चहीता था हमारा, बट कुछ 7-8 साल पहले ही पास्ड अवे, ही वॉज 8-9 years old, तो मैं तो लिटरली बड़ा हुआ हूँ टाइसन के साथ, और उसके अलावा कुछ 8-9 बिल्लियाँ थी घर पे, कुछ 30-35 birds थे, और एक मिनी जू था हमारा, तो आई थिंक आई हैव ग्रोन अप विद एनिमल्स एंड मे बी दैट्स द रीजन आई लव देम। फर्स्ट टैटू? अगर टैटू नहीं है तो अगर बनवाना हो तो क्या बनेगा? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा टैटू, टैटू वैटू मुझे समझ नहीं आते। फर्स्ट टाइम इन मुंबई लोकल ट्रेन?
पहली बार बहुत बार बचपन में फैमिली के साथ, मेरे मामा बदलापुर में रहते हैं तो बहुत बार ट्रैवल करता था। ओके, फर्स्ट पर्सन लाइफ का जिसको आप रात को 3 बजे भी कॉल करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं, मॉम डैड? बचपन से अभी, वरना अलग अलग टाइम पे 3 बजे वाले अलग अलग आए हैं ना, तो अच्छा अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुनीश नाम है उसका, आई थिंक हम प्राइमरी सेक्शन से साथ में, तो अगर आप मेरे क्लोज फ्रेंड्स देखेंगे इंडस्ट्री के बहुत कम है, मेरे रियल लाइफ के ज़्यादा हैं, तो आई थिंक मेरे स्कूल फ्रेंड्स एक दो हैं जिन्हें मैं कभी भी फोन कर सकता हूँ। लाइफ का पहला ऐसा व्यक्ति जिसने आपका दिल तोड़ा हो, बहुत दुखी किया हो? पहला ऐसा ऐसा व्यक्ति या कोई पर्सन? कोई पैदा नहीं हुआ है भाई, दिल विल नहीं तोड़ता मैं, इतना नाजुक दिल नहीं है, मेरा दिल नहीं टूटता, मेरा ऐसा है कि हाँ चलो ऐसा है तुम्हें जाना है अलविदा। फर्स्ट थिंग आप जो मॉर्निंग में उठकर करते हैं? ब्रश। ओके, सुसु? बहुत लोग पूजा भी करते हैं। नहीं, मैं सुसु और ब्रश करता हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग पैकअप के बाद, जब घर पहुँचने के बाद? घर पहुँचने के बाद पहला मॉम डैड के साथ बैठता हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद नहाता हूँ और फिर सोता हूँ। चलिए, बहुत सारी लिस्ट है बट अभी नहीं पूछेंगे, जाना चाहेंगे, रिकॉल करने की कोशिश की हमने, कुछ याद आया आपको पहला? बहुत कुछ पहला याद कराया आपने जो मैं याद नहीं करना चाहता था, बट ये सेगमेंट करके मज़ा आया, एंड आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैंने ये माई फर्स्ट खेला है, एंड बाकी लेट्स सी आपको हमारे फैंस क्या बोलते हैं कि उन्हें कैसा लगा ये।